नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम को लेके कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स के लिए सर्च करते हैं, स्ट्रेटेजीज़ को सर्च करते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, एक राइट गाइडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाता। उनके अंदर पोटेंशियल है बट वो स्कोर अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एक राइट वे में प्रिपरेशन नहीं करी अपने एंट्रेंस एग्जाम की। तो आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजीज रखें और किस तरीके से हम उसके लिए अपना पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करें, जिससे हमें कॉन्फिडेंस भी आए एग्जाम देने में। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहले से नेगेटिविटी आ जाती है एग्जाम को लेकर कि यार कैसे होगा, ये तो बहुत टफ होता है, इसका लेवल बहुत हाई है, तो वो पहले से गिव अप कर देते हैं। तो जो उनको तैयारी करनी थी वो भी वो नहीं करते। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है और आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देंगी और आपको बहुत अच्छी हेल्प भी मिलेगी एग्जाम को क्रैक करने में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में बनाते हैं एजुकेशनल वीडियोज। पॉइंट नंबर वन है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्लानिंग एग्जाम को लेकर प्लान करना है, अपने स्केड्यूल को लेकर प्लान करना है, अपने रूटीन को लेकर प्लान करना है, स्टडी टाइम को प्लान करना है, स्टडी गैप को प्लान करना। प्लानिंग इज़ द नीड जो आपको करना बहुत ज़रूरी है। हम बिना प्लानिंग के कुछ भी करने लग जाते हैं, कभी भी पढ़ने बैठ गए, कभी भी पढ़ना छोड़ दिया। जब आप खुद से एक डिसिप्लिन लेके आओगे लाइफ के अंदर कि भाई मेरे को इस टाइम उठना है, अपना ब्रेकफास्ट करना है, फिर मेरे को इतने से इतने टाइम पढ़ना है, फिर मैं थोड़े टाइम उसमें गैप देना है, अपने प्लान को आप क्रिएट करो, स्केड्यूल करो, कैलेंडर में करो, चाहे अपने फ़ोन के अंदर अलार्म सेट करके करो, बट एक डिसिप्लिन आपको लेके आना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। सो प्लानिंग इज़ द नीड। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग शॉर्टकट्स। शॉर्टकट पे हमेशा आपको ध्यान देना है क्योंकि जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके अंदर टॉपिक्स जो होते हैं कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा होते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। बट आप ध्यान रखो एनसीईआरटी के अंदर भी आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पढ़ो जिनके अंदर फार्मूलाज हो, डेरिवेशंस हो, जिनके अंदर कैलकुलेशंस हो, उनकी जो शॉर्ट टर्म जो उनके फार्मूलाज होते हैं उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको खुद पता है कि एग्जाम का पैटर्न है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वहां पे कुछ आपसे हैंड रिटन वर्क तो है नहीं, अगर आप वहां पे चॉइसेस के ऊपर अगर वर्क करने वाले तो यू हैव वेरी शॉर्ट टाइम टू अटेंड दैट क्वेश्चन। सो वहां पे आप अपने ट्रिक्स यूज करेंगे, अपने फॉर्मूलाज यूज करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप थ्योरेटिकल कम कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पढ़ना शुरू करें। आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता होना बहुत जरूरी है कि आपका जो वीकनेस है किस टॉपिक को लेके है, किस सब्जेक्ट को लेके है, आपको उसके ऊपर वर्क करना है। अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है कि मैं इस सब्जेक्ट में अच्छा हूं तो उसको और अच्छा स्ट्रांग करो ताकि आप बाकी अगर सेक्शन में वीक हो तो उसको आप बैलेंस कर सको उसके स्कोर्स के बेसिस पे। लाइक अगर हम किसी सीबीएसई की भी तैयारी कर रहे हैं तो कुछ हमारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारा जो एक्चुअल वेटेज आता है उन सब्जेक्ट की वजह से ही अच्छा आता है। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जब आप अप्लाई कर रहे हो तो जो सेक्शन आपको वीक लगता है उसमें बहुत ज़्यादा काम करो, जिस सेक्शन में आप स्ट्रांग हो उसको फॉर ग्रांटेड ना लें, उसको और स्ट्रांग करें ताकि आप एक्चुअल वेटेज में अच्छा मेरिट बना पाओ। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ब्रेक। स्टडी ब्रेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी रेगुलर स्टडी करने बैठे तो उसमें बीच में आपको ब्रेक ज़रूर देना है ताकि आपको रिफ्रेश फील हो, आप हर एक टॉपिक को प्रॉपरली इक्वली तरीके से पढ़ पाए, कंसंट्रेट करके पढ़ पाए। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, बहुत देर तक स्टडी कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है बाकी चीज़ें हमारे ब्रेन के ऊपर से चली जाती है, हम उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। साइंटिफिकली स्टडी भी यही बोलता है कि हम 20 मिनट्स रेगुलरली एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारे दिमाग के ऊपर से जाता है। तो आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक दीजिए बीच में जिससे आपको थोड़ा रिफ्रेश भी फील। नेक्स्ट पॉइंट इज आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से फिट रहना है। फिजिकली आप फिट हो सकते हो, टाइमली आप उठो मॉर्निंग में या आप टाइमली स्लीप अपना पैटर्न अच्छा करो, उसके बाद आप अच्छी चीज़ों को खाओ, न्यूट्रिशियस फूड खाओ जिससे आपका ब्रेन फंक्शन भी प्रॉपर वर्क करे। उसके बाद जो मेंटली बैलेंस की बात है, मतलब आप अपने इमोशंस को थोड़ा काबू रखो, आप अपने आप को थोड़ा कंसंट्रेट रखो, मोटिवेटेड वीडियोस देखो जिससे आपको पॉजिटिव फील आए एग्जाम को लेके, आपको पर्सनल लाइफ में आपको पॉजिटिविटी दिखे। लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस, जिसका कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये
आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटली एग्जाम को अटेंड कर रहे हो। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर जितने भी मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन पेपर है, सबको अटेंड कर डालो, उनकी प्रैक्टिस करो ताकि आपका टाइमिंग भी थोड़ा इंप्रूव हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाए, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए। उसके बाद आप उनके लिए जो जितने भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो उनकी करेक्शन करो, खुद नहीं कर रहे तो अपने पेरेंट्स के थ्रू उसको करेक्ट करवाओ, उनसे चेक करो कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, जिससे आपके अंदर एक प्रेशर भी क्रिएट होगा कि भाई इतना नहीं कर पा रहा मैं, चलो नेक्स्ट टाइम पे हो जाएगा, नेक्स्ट में नहीं होता उससे अगले में हो जाएगा। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतने ही अच्छे आगे जाके मार्क्स लेके आओगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आप खुद भी स्टडी करो, रिसर्च करो, जिससे आपको हेल्प मिले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं रख पाते, वो मेडिटेशन करें। जो बच्चे लगता है कि मेरे को रेस्टलेस फील करना है वो अपनी स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करें। जो बच्चे लग रहा है कि भाई मेरे से हर बार गलत हो रहा है एग्जाम, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुद से करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा, कोई भी आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाता। अगर आपको ज़रूरी नहीं, अगर आपने वो चीज़ पढ़ी और एग्जाम में नहीं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने अगर वो चीज़ पढ़ी है आपकी मोरल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा। नॉलेज हमेशा आपके काम आती है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। खुद भी पढ़ो, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाओ, उनके साथ शेयर करो, ग्रुप स्टडी करो, ताकि आपके जो कॉमन डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल हायर एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच।